सो हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं हूं राहुल और आप सबका स्वागत है जिन गेमिंग में। आज की वीडियो गेम प्ले प्लस वॉइस ओवर होने वाली है और आज आप लोग देखोगे कि कैसे तुम्हारा भाई 1v4 करके चिकन डिनर लेता है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा अगर आप अकेले हो स्क्वाड के और सामने चार बंदे हैं, चार बंदों को देखकर वैसे ही फट जाती है, लेकिन तुम्हारा भाई बता गया कि कैसे आप 1v4 करके लोगों की फाड़ कर चिकन डिनर ले सकते हो। आज मंगलवार है, हम चिकन नहीं खाते, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, मैं क्या ही बोल रहा हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू होगी सीधा लास्ट फाइट में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके साथ साथ चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को सीधा फाइट में। सो गाइज, यहाँ पर मेरी बग्गी का टायर फट चुका था क्योंकि उन्होंने इतना स्प्रे दिया, लेकिन मैंने स्मोक करके जैसे तैसे बग्गी को सीधा ठोका दीवार पे, जैसे हम ठोकते हैं गर्लफ्रेंड को। उसके साथ साथ मुझे पीछे से फायर आने लग गया, लेकिन जैसे तैसे मैं सीधा एक जाके घर पे कवर ले लिया और वहाँ पे जाकर मैंने पहले हील किया, लेकिन हील करने से पहले देखा एक ततैया मेरी तरफ बढ़ रहा है और उस ततैये को देखते ही मैं समझ गया कि इसका तो आखिरी समय आ चुका है और देखे कैसे इसको लेते हैं। तो जैसे इसको नॉक कर दो तो सामने वाले की सुलग जाती है और मुझ पर प्री फायर देने लगता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और मैं आराम से बूस्टर लेता हूँ और उसके बाद मैं उसको मारने की ट्राई करता हूँ। आप देखिए आगे क्या होता है। मैंने उसको दिया, काफ़ी दिया, लेकिन उसके दो हेड लगे। मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ कि अभी वो हील करेगा, अभी उंगली नहीं करेगा, लेकिन कहाँ ही टिकते हैं ये बंदे। जब एक बंदा नॉक पड़ो तो सामने वाले की सुलग रही होती है और उसका किल मिल जाता है और एक और बंदा उसको रिवाइव देने के लिए उस पत्थर के पीछे आ जाता है, तो मैं पैन निकालता हूँ, सोचता हूँ कि पैन से मारता हूँ, लग जाए। उसका हेड दिख रहा था पहले तो एक और अच्छी क्लिप बन जाए, लेकिन नहीं भाई, सामने से नेड आता और इस बार मेरी फट चुकी होती है। मैं जल्दी जल्दी हील करता हूँ, लेकिन हील करने से पहले बंदा भागते हुए मेरे पे रश करता है। इसी से आप समझ सकते हो कि बंदे भी कितने अग्रेसिव खेल रहे हैं, गेम सेंस है उनमें भी। मैं हील कर रहा हूँ, पट्टियों का साउंड आया, सीधा ही रश कर दिया, लेकिन क्या फ़ायदा, तुम्हारे भाई के रिफ्लेक्स थोड़े से फास्ट हैं उनसे। और मैं जहाँ से कूदता हूँ, अरे भाई क्या हाल चाल, कैसे नेड कर रहे हो, कोई ना कर लो आराम से कर लो, लॉबी में जाके कर लेना। अब मैं यहाँ पर सामने से देखता हूँ टीपीपी लेके कोई दिखता है, लेकिन नहीं दिखता और मुझे मालूम है सिर्फ एक बंदा बचा जो दूसरे को रिवाइव दे रहा है। मैं प्री फायर देता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो पीछे पत्थर के होते हैं। तो अब मैं देखता हूँ यार, मेरे पास कोई नेड नूड कुछ नहीं है, ना मौली है, तो मैं फिर सीधा घर के अंदर जाता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा देखता हूँ उनको। टीपीपी लेने के बाद मैं देखता हूँ कोई लुल्ली वगैरह दिख जाए, किसी की नहीं दिखती। फिर से टीपीपी देखता हूँ, कुछ दिख जाए यार मुझे, ना फिर भी कुछ नहीं दिखा। तो फिर मैं सोचता हूँ यार रुको, अभी कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है भी वो मेरे पे थ्रोएबल्स मार रहे। हाँ, उन्होंने मौली मारी मेरे पे। जैसी मौली मारी, मैं सीधा नीचे स्टेयर्स पे आ गया और फिर मैं पीछे वाले रूम में चला जाता हूँ कि यहाँ पर मौली नहीं आएगी, और मुझे एक मौली दिख जाती है और मैं वेट करता हूँ। और यहाँ पर पता नहीं मैं शायद खुजली करने चला गया था कच्चे में हाथ डाल के, इसलिए मैं वहाँ पर रुक गया था। हाँ ये कर लो पहले। लेकिन चलो बैक टू द गेम, फिर से यहाँ पर आता हूँ, फिर देखता हूँ भाई ये मौली क्यों कर रहे हैं मेरे पे, क्या हो गया, इतनी सुलग रही है इनकी, भी दो बंदे मार दिए अभी तो बेटा, तुम दोनों भी जाओगे। आप ध्यान से देखना, अलाइव 3 आ रहे, एक मैं और दो बंदे बचे, और फिर मेरे पास एक मौली थी, मैंने मौली की, लेकिन मौली का कुछ खास असर नहीं होता। फिर से मैं जंप करता हूँ, नीचे आता हूँ और मुझे यहाँ पर एक बंदा दिख जाता है। अब वो मेरे पास आएगा, चलो भाई ये भी गया अल्फा, इसको मैंने पहले भी नॉक किया था, इस बार नॉक और फिनिश कर देता हूँ। अभी बचते हैं 1v1। अब मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट है क्योंकि मैंने 1v3 ऑलरेडी कर दिया था, और सामने वाला जो लास्ट बंदा बचा था उसकी सीरियसली फटी पड़ी होगी क्योंकि उसके तीनों बंदे उसको बोल रहे होंगे भाई यहाँ से जा, तू उधर टीपी भी ले, तू ये कर, तू वो कर, लोड़ा लसन, जो भी बोल रहे होंगे, और उसकी वैसी फटी पड़ी, ऊपर से और नर्वस कर दिया होगा उसको। तो मुझे मालूम था कि ये गेम अपना होने वाला है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पर मैं आगे जाता हूँ, टीपी भी लेता हूँ, फिर से देखता हूँ कुछ लुल्ली वगैरह दिखे, लेकिन नहीं दिखती। फिर मैं ऐसे करता हूँ कि आगे पुश ही कर देता हूँ, फ्री फायर देते हुए पुश करता हूं, तो आप देखिए आगे क्या होता है। और उसका फायर देने के बाद रिलोड आ जाता है, तुम्हारे भाई गेम जीत जाता है। तो इसी की तरह हमने निकाल लिया सोलो वर्सेस स्क्वाड चिकन डिनर। सो गाइज, यही तुम्हारी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। उसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि ये वीडियो मैंने एक ही बार में रिकॉर्ड किया, अलग से मैंने एडिटिंग नहीं की, तो जैसी थी मैंने आप सभी लोग के सामने परोस दिया। बाकी आप लोग बताओ कैसी वीडियो लगी, कैसी नहीं लगी, कमेंट करके जल्दी बताना। उसके साथ साथ रिमाइंडर फिर से बता दूं, अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं सीधा आप लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। टेक केयर, बाय बाय।